नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भगवत मेहरा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में पीड़ित महिला रेशमा ने एक दबंग पर आरोप लगाया है कि वह सरसावा निवासी मिर्जा मुशर्रफ बेग पुत्र रियाज बेग के घर पर 2 साल पहले खाना बनाने का काम करती थी। उस समय उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए जबरदस्ती बलात्कार किया गया था, जिसकी लिखित सूचना उसने पुलिस को दी थी। तब से अब तक आरोपी उससे रंजिश रखने लगा और मौका देखकर वह दबंग 14 अक्टूबर को सुबह उसके घर पहुंचा और केस वापस लेने की धमकी देने लगा। महिला द्वारा विरोध करने पर जबरदस्ती करते हुए उसके साथ मारपीट की और बलात्कार किया, जिसकी तहरीर पीड़िता ने अपने पति के साथ पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। महिला का मेडिकल परीक्षण भी हो चुका है। 2 साल से न्याय के लिए भटक रही पीड़ित आखिर कब तक काटेगी पुलिस के चक्कर? जहां सरकार महिला छेड़छाड़ का विरोध करती है, तो दबंग बलात्कारी पर अभी तक पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? रिपोर्ट इंडिया 24 टीवी न्यूज। जी, इनके पास मैं मिर्जा मुशर्रफ बेग के यहाँ खाना बनाने का काम करती थी। जबरदस्ती से मेरा बलात्कार किया। हम थाने में गए, थाने वालों ने हमारी कोई मदद नहीं करी। हम SP का भी गए, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। बताओ मैं क्या करूं?